साल हमारे चैनल पे आया था तब वो ऑनलाइन फाइट्स पिकअप करता था एंड ऐसा कोई भी एलिगेशन नहीं था। हेलो गाइस, तो गाइस आपको पता ही है रजत दलाल काफी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं अभी। जहां गुजरात के अंदर अरेस्ट हो गए थे उसके बाद उन्हें बेल मिल गई थी, बट कंटिन्यूअसली अभी वो लफड़े में फंसते ही जा रहे हैं। जहां कैरी मिनाटी से पंगा लेने के बाद उनका करियर के एल लग चुके हैं, तो वहीं पर काफी यूट्यूबर्स को भी उन्हें ट्रोल करा जा रहा है कि आपने रजत दलाल को क्यों अपने प्लेटफॉर्म पे दिया। तो इसी के साथ थगेश को भी काफी पहली बार ऐसा हुआ होगा जो एक्चुअल मैटर है उसको छोड़कर बाकी क्रिएटर्स को ज्यादा हेट पड़ रही है। तुम क्रिएटर्स अब ऐसे गुंडों को डिफेंड भी करोगे? डिफेंड किस बात का भाई? अगर रजत दलाल ने ये चीज की है, जो भी एलिगेशन है अगर वो ट्रू है तो 100% उसको सजा मिलनी चाहिए। एंड अगर कोई इसको सपोर्ट कर रहा है तो वो भी गलत है। एंड ऑल्सो जब रजत दलाल हमारे चैनल पे आया था तब वो ऑनलाइन फाइट्स पिकअप करता था एंड ऐसा कोई भी एलिगेशन नहीं था उनपे। उनके आए दिन लफड़े होते थे, इसके लिए उनको लफड़ा सेंट्रल नामक शो पे बुलाया। ओके, नाउ जिसका प्योर इंटेंशन था यही सारी चीजें जो आप आज बोल रहे हो वो मैंने 2 महीने पहले फेस टू फेस उनको पूछी, जो कि किसी ने नहीं किया है। मैं एक शो चलाता हूँ, मैं शोज चलाता हूँ फॉर अ लिविंग। ओके, अगर मेरे इतने सारे गेस्ट में से कल को कोई भी गेस्ट जाके कोई क्राइम कर दे वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी होगी। ऐसे तो न्यूज चैनल पे कितने बड़े बड़े कैसे कैसे लोग आके गए, क्या न्यूज चैनल का गलती हुआ? इस हिसाब से मतलब अगर कल को कोई गेस्ट सीएम बन जाए यार बड़ा फिल्म। तो गाइस आपको पता ही है एल्विश यादव और मैक्सटन की कंट्रोवर्सी के बारे में, जहां पर एल्विश ने मैक्सटन को थप्पड़ मार दिया था। तो वहीं पर काफी ज्यादा बात आगे बढ़ने के बाद मैक्सटन ने FIR दर्ज करवा दी थी एल्विश यादव के खिलाफ। तो उसी एल्विश यादव को अब फाइनली उस केस से छुटकारा मिला है। बट यहां पर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अगर एल्विश यादव ये दोबारा करता है तो ये वापस से रीओपन कर दी जाएगी फाइल। नमस्कार दोस्तों, और वही बात करें अगर ध्रुव राठी वर्सेस पूरव झा की, तो पूरव झा की लास्ट वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था कि आप ध्रुव राठी पर तो वीडियो बनाइए, तो रिसेंट टाइम अब उनकी शायद वीडियो उसी पर आने वाली है। उनका छोटा सा एक स्टोरी आई है, मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूं। नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट पर पूरे दिन बकवास करने वाला ये लड़का पूरव झा, इसको लगता है कि ये बहुत ही स्मार्ट है। आइए ग्राफ के तौर पे समझते हैं कि ये कितना बड़ा। तो गाइस ज्ञान गेमिंग हॉस्पिटल से आने के बाद वीडियो अपलोड करा है जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भी ट्रैक करा है, तो उनको जस्टिस चाहिए और उन्होंने क्या कहा है मैं उनका छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूं। गाइस आप लोगों को पता होगा लखनऊ में मेरा हुआ था एक्सीडेंट, मैं यूट्यूब में कैसे यार एक वीडियो डाल के रखा हूं जो अभी भी आने वाला है, ये वाला आई नीड जस्टिस @ नरेंद्र मोदी जी को। इसमें बताया गया है कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ है, कैसे 2-3 घंटा कैसे आया हूँ हॉस्पिटल, कितना कुछ प्रॉब्लम हुआ है मेरे को, कितना कितना कुछ दर्द आया, सब कुछ बोला इसके अंदर। ठीक है आप लोग देख लो, देर से निकला था ये तुम्हारे पास से और उसकी गाड़ी को लगी थी। तो गाइस आपको पता ही है रजत दलाल अरेस्ट हो गए थे एक स्टूडेंट को किडनैप करने के और उसके साथ काफी गंदी चीजें करने के बाद, तो क्या उनको 7 साल की जेल हो सकती है? तो वहीं गाइस दीपक शर्मा ने रिएक्ट किया है जो एक जेलर है, उन्होंने क्या बताया मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। आराम से बना। हाँ बना रहा। गाड़ी लगी किसी के? लगी नहीं है, तू स्पीड में नहीं था वो बोल रहा है, तू स्पीड में था या नहीं? इधर आ। अरे भाई कहाँ गए वो? इधर आ, इधर आ, इधर। अरे तू तेरे पास से भले आईफोन है, इधर आ तू एक बार दिखाता हूँ क्या गए। मैडम कितने कितने देर से निकला था ये तुम्हारे पास से और उसकी गाड़ी को लगी थी? तुम्हारी बाइक की गाड़ी को टच की थी ना? गाड़ी कितनी ओवर स्पीड थी? ओवर स्पीड थी और फुल ओवर स्पीड थी ना?